आसिबा संपूर्ण खबर को 40 दिन पर हेबो महाराष्ट्र कैबिनेट संप्रसारण आज दिन 11टा रे शपथ नेबे सिंधे सरकार को नुआ मंत्रिमंडल उभय बीजेपी एवं एकनाथ सिंधे गोष्ठी प्राय 12 जन विधायक आज शपथ नहीं पारंते तन्मध्य विधान परिषद सदस्य मध्य रहिबे तबे चर्चा रे थिबा विधायकों मध्य चंद्रकांत पाटिल सुधीर मुनंग तिवार गिरीश महाजन राधाकृष्ण विखे पाटिल सुरेख खाड़े एवं अतुल साबे अछंते तबे सुप्रीम कोर्ट रे शिवसेना विवाद मामला पड़ी रही थिबारु कैबिनेट गठन रे विलंब होउछि जून 30 रे एकनाथ सिंधे मुख्यमंत्री भाव में शपथ ग्रहण करिथिले मध्य ए पर्यंत मंत्रिमंडल गठन होई पारि नाही आसंता काली महाराष्ट्र विधानसभा मौसुमी अधिवेशन आरंभ हेबाकु थिबा बेले आज मंत्रिमंडल गठन हेबो मंत्रिमंडल रे एथर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को गृह मंत्रालय दायित्व मिलिबार संभावना रही सिंधे और फडणवीस गत किछि दिन धरी दिल्ली रे थिले दुई नेता 22 मंत्री सहित नीति आयोग बैठक में सामिल होते एपर्यंत महाराष्ट्र में मंत्रालय और विभाग बंटन होना एवं कौनसी मंत्री नाहांते पूरा सरकार में केवल मुख्यमंत्री सिंधे और उपमुख्यमंत्री ही अछंते चालीस दिन परे महाराष्ट्र में कैबिनेट संप्रसारण होगाक जाऊँगी आज दिन 11टे शपथ ने सिंधे सरकार नुआ मंत्रिमंडल उभय बीजेपी एवं एकनाथ सिंधे गोष्ठी प्राय 12 जन विधायक आज शपथ नहीं पारती तन्मध्य विधान परिषद सदस्य मध्य रहिबे तबे चर्चा रे थिबा विधायकों मध्य चंद्रकांत पाटिल सुधीर मुनंग तिवार गिरीश महाजन राधाकृष्ण विखे पाटिल सुरेश खाड़े एवं अतुल साबे मध्य अछंते सुप्रीम कोर्ट रे शिवसेना विवाद मामला पड़ रही थिबारु कैबिनेट गठन रे विलंब होउछि जून 30 रे एकनाथ सिंधे मुख्यमंत्री भाव में शपथ ग्रहण करिथिले मध्य एपर्यंत मंत्रिमंडल किंतु गठन होई पारि नाही आसंता काली महाराष्ट्र विधानसभा मौसुमी अधिवेशन आरंभ हेबाकु थिबा बेले आज मंत्रिमंडल गठन आरंभ हेबो मंत्रिमंडल रे एथर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को गृह मंत्रालय दायित्व मिलिबार संभावना रहिछि सिंधे और फडणवीस गत किछि दिन धरी दिल्ली रे थिले दुई नेता 22 मंत्री सहित नीति आयोग बैठक में सामिल होते एपर्यंत महाराष्ट्र में मंत्रालय और विभाग बंटन होना एवं कौनसी मंत्री नाहांते पूरा सरकार रे केवल मुख्यमंत्री सिंधे उपमुख्यमंत्री ही अछंते पुणे कही रखु 40 दिन पर हेबो महाराष्ट्र कैबिनेट संप्रसारण आज दिन 11टे शपथ नेबे सिंधे सरकार नुआ मंत्रिमंडल जो भि ढंग से महाराष्ट्र में सरकार परिवर्तन होता शिवसेना ठारु जदि आम देखा एकनाथ सिंधे विद्रोह करिबा आरंभ करते शिवसेना रही से विद्रोह करिबा आरंभ करते कारण तांकर अनेक अभियोग रही मातोश्री को आमको दिजा वे संपर्क में अधिक सूचना और आलोचना आम सहित रही न्यूज 18 प्रतिनिधि मुंबई वासीम अंसारी आम सहित रही वासीम जानना चाहेंगे आपसे जे 40 दिनों के बाद आज मंत्रिमंडल संप्रसारण होने को जा रहा है महाराष्ट्र कैबिनेट का वो इस प्रक्रिया को आप किस प्रकार देख रहे हैं और किन किन मंत्रियों को कौन कौन सा विभाग मिल सकता है देखिए इस वक्त मैं राजभवन के गेट पर हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों के आने जाने का सिलसिला शुरू है। करीब 11 बजे मंत्रिमंडल के जो नए मंत्री होंगे उनकी शपथ होगी। लगभग 39 डेज के बाद ये जो मंत्रिमंडल का है वो विस्तार हो रहा है। कई बड़े नाम जो है वो इसमें शामिल हो सकते हैं, जो बीजेपी के पुराने नेता हैं वो इसमें शामिल हो सकते हैं और साथ ही जो शिंदे ग्रुप के लोग हैं वो भी शामिल होना चाहते हैं, इसमें शामिल होंगे। लगभग 18 मंत्री इस पूरे प्रक्रिया में शामिल होंगे और उन्हें शपथ विधि लेंगे करीब 11 बजे। मैं आपको उनके नाम बताना चाहूँगा कि जिस तरह से शिंदे ग्रुप जो शिवसेना से अलग होकर बीजेपी के साथ गठबंधन करने के बाद जो उन्होंने ये सरकार बनाई थी उनमें सबसे पहला नाम है दादा भूसे का, जो काफ़ी सीनियर नेता माने जाते हैं और पुरानी सरकार में भी वो मंत्री थे। साथ ही संदीपन भूमरे ये भी मंत्री रह चुके हैं पिछली सरकार में। गुलाबराव पाटिल ये भी मंत्री रह चुके हैं। उदय सामंत, शंभुराज देसाई, तानाजी सावंत, दीपक केसरकर, भारत गोगावले मंत्री बन सकते हैं। ये 9 जो नाम है इन पर भी बाकायदा चर्चा की जा रही है। करीब 9 बजे एक बैठक है शिंदे ग्रुप की, इन शिंदे ग्रुप की बैठक में और भी नामों को लेकर चर्चा हो सकती है। साथ ही जिस तरह से बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी के 9 जो नाम आ रहे हैं काफ़ी सीनियर लीडर्स हैं उसके अंदर,
जिसमें चंद्रकांत पाटिल, सुधीर मुंगटीवार, गिरीश महाजन, राधाकृष्ण विखे पाटिल, मंगल प्रभात लोडा, सुरेश खाड़े, विजय कुमार गावित, अतुल सावे, प्रवीण चौहान, ये सारे नाम सामने आ रहे हैं जो शपथ विधि में शामिल हो सकते हैं। साथ ही जिस तरह से देखा गया है कि पिछली सरकार में बच्चू कड़ू जो मंत्री थे और वो जब शिंदे ग्रुप अलग हुआ था, बाहर जा रहा था, उस दौरान वो उनके साथ लगातार दिखाई दिए थे, तो उन्हें भी मंत्री बनाया जा सकता था, इस तरह की अपेक्षा की जा रही थी। अब देखना होगा कि 9 बजे की बैठक में क्या उनके नाम पे किसी तरह की चर्चा हो सकती है क्या। साथ ही ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस मंत्रिमंडल में 2 महिलाएं भी शामिल हो सकती हैं। अब नाम के उनके किसी तरह का कोई खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन हो सकता है कि उनको आज शाम, आज सुबह जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो तो उस दौरान कौन सी 2 महिला विधायक है जिनको मंत्री बनाया जाएगा, इस पर भी चर्चा होगी। करीब 9 बजे सह्याद्री गेस्ट हाउस में बाकायदा बैठक है बीजेपी के नेताओं की, साथ ही शिंदे ग्रुप के जो 50 विधायक जो उनके साथ थे वो सारे वहां पे मौजूद होंगे और नामों पे डिस्कशन किया जाएगा कि आगे की किस तरह से कौन मंत्री बन रहा है, किसे क्या जिम्मेदारी दी गई है और आगे की उनकी रणनीति क्या होगी। क्योंकि अगर शिंदे ग्रुप में 9 लोगों को मंत्री बनाया जाता है तो बाकी लोगों की नाराजगी ना हो इसका भी ख्याल रखा जाएगा। इसके लिए तैयारियाँ कर दी गई है, राजभवन के जो हॉल है वहाँ पर उनके शपथ विधि का कार्यक्रम के लिए पूरी तरीके से तैयारियाँ की गई है। कई बड़े नेताओं को इसमें इनविटेशन भी भेजा गया, जिसमें नितिन गडकरी, कपिल पाटिल, साथ ही राव साहब दानवे, ये सारे जो बड़े नेता हैं, सांसद हैं, उन सभी को यहाँ पर बुलाया गया है। लगभग 39 डेज के बाद ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, उसके बाद आज दोपहर ही एडवाइजरी कमेटी की बैठक होगी। इस बैठक में ये डिसाइड किया जाएगा कि अधिवेशन कितनी दिनों का होगा। इसके बीच और एक क्वेश्चन ये भी उठ रहा है कि शिवसेना का जो विवाद है, शिवसेना का जो मामला है, जो विवाद लेके जो शिवसेना का बड़ा मामला है जो अभी सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है, वो बिना फैसले के अभी आधा रुका हुआ है। आगे अगर कोई फैसला आता है शिवसेना किसका है, तो ये मुख्यमंत्री शिंदे के लिए आगे जाके एक अड़चन शुरू कर सकती है क्या, या बड़ी अड़चन होगी क्या आगे जाके? देखिए, जिस तरह से अगर ये सारा जो मामला 16 विधायकों के निलंबन का है, उनके आपात्र को लेकर, वो मामला सुप्रीम कोर्ट में है और जब तक जजमेंट नहीं आता इस पर किसी तरह का कोई प्रतिक्रिया देना ठीक नहीं होगा। लेकिन ये अंदाज़ा ज़रूर लगाया जा रहा है, अगर इनके खिलाफ किसी भी तरीके का कोई जजमेंट आता है तो मुश्किलें ज़रूर शिंदे ग्रुप की बढ़ सकती हैं। क्योंकि जो उनकी संख्या बल है, उस संख्या बल में से अगर 16 लोग आपात्र हो जाते हैं तो सरकार पर खतरा खड़ा हो सकता है। फिलहाल ये जो सुनवाई है, उस सुनवाई के दौरान किस तरह का फैसला लिया जाता है, उस दौरान इस बातों का जिक्र किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर एक प्रक्रिया रुकी हुई थी, ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि कोर्ट में जो फैसला चल रहा है, जो सुनवाई चल रही है, उसकी वजह से अब तक ये मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर कोई भी चर्चा नहीं की जा रही है। अब आज मौका निकल चुका है, मंत्रिमंडल का विस्तार लगभग तय माना जा रहा है। ऐसे में जिस तरह से पूरा एक माहौल साफ तौर पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आगे की जिस तरह की रणनीति होगी, इस पर भी लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कोर्ट के फैसले के बाद एक नई रणनीति तय की जा सकती है। महाराष्ट्र कैबिनेट संप्रसारण दिन 11 शपथ नेबे शिंदे सरकार।